लाइव सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कौन कौन ज्वाइन हो रहा है? हेलो गाइस, तो मैं आपको स्टोरीज में मैंने अपडेट किया था दैट अभी हम अभी मैं लाइव आऊंगी विथ माय टीम। तो अभी मैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें। उल्टा कैमरा है हेलो, संजय जी। हाय मेगा, कंग्रेचुलेशन। आपको भी मेगा जी बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा काम ओके किया। सर। ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत जी, बहुत लोग, बहुत फोन आ रहे, कॉल्स आ रहे हैं। कल खेसारी जी का भी फोन आया था, वो भी बहुत खुश थे। हाँ उन्होंने हाँ मतलब सर, ये खेसारी बहुत जी तो आउट ऑफ स्टैंडिंग है ना, वो कैरेक्टर में हर कलाकार, हाँ आप, पूजा गांगुली, शरदा नवन, रिंकू, सबको, जितने भी हमारे एक्टर थे, खुशबू यादव, सोनू पांडे, प्रकाश जैन जी, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। सर, आप सर, मुझे ना पूजा जी को मुझे ज्वाइन करना नहीं हो पा रहा है। आप पूजा जी को मैंने संजय भूषण को ज्वाइन कीजिए ना, संजय भूषण पटियाला, अपने जो पीआरओ हैं, अमित शुक्ला, संजय हाँ भूषण पटियाला, हाँ हम सबको इनवाइट कर दीजिए, मुझे पता नहीं हो रहा। संजय भूषण जी को, अपने फिल्म के पीआरओ हैं संजय भूषण जी, तो हाँ पता है, मिली हूँ मैं उनसे। मैंने उनको ही बोल के रखा हुआ है। फिर अमित शुक्ला भी एक्टर है हमारे, तो अमित शुक्ला जी को भी हम लोग ये करते हाँ, हैं। उन सबको भी हम इन्वाइट करने की कोशिश करेंगे। आप तो साउथ इंडस्ट्री से हैं, आपको भोजपुरी में काम करके कैसा लग रहा है? आपने बहुत फिल्में किया खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ भी आपने काम किया। जी सर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मैं आने से पहले मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने टैलेंटेड एक्टर थे, डायरेक्टर्स थे, मतलब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर काम करने के बाद मुझे इस तरह का इंडस्ट्री में जो लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, उन सबके बारे में मुझे पता चला। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसे एक बड़े बड़े मूवी का भी मैं भी एक हिस्सा हूँ, तो इसके लिए अभी मैं भी बहुत खुश हूँ। नहीं, फरिश्ता जो हर एक्टरों ने, हर हमारे जितने भी टेक्नीशियन थे, हमारे प्रोड्यूसर की बात कर, वो भी साउथ से ही है, हमारे रेड्डी सर, गंगोत्री स्टूडियो के जो ऑनर है, हमारे रेड्डी साहब भी, एस एस रेड्डी साहब भी साउथ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने भी मतलब कोई कमी
में मतलब शूट में जो होता है ना, प्रोड्यूसर भाई जो भी चाहिए जो रिक्वायरमेंट था वो चेक किया। उसके बाद हमारे जो प्रोडक्शन कंट्रोलर विजय जो था, ईपी विजय प्रसाद, उसने भी बहुत लोकेशन से लेकर सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रखा। हमारे जो राइटर हैं अरविंद तिवारी जी, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी, हाँ, बहुत अच्छी बहुत स्टोरी। अच्छा, बहुत अच्छा और काम। मैं ये म्यूजिक म्यूजिक भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो हमारे कृष्णा बेदरजी जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हमारे कैमरामैन आर आर प्रिंस जी, उसके प्रिंस बाद जो टेलर जिसने काटा उमेश, सभी ने सभी टेक्नीशियन ने बहुत अच्छा काम। हमारे फाइट मास्टर दिलीप यादव, हमारे कोरियोग्राफर, हमारे सबके चहेते कानू दादा, कानू आस्टर जी, कानू मुखर्जी, तो सॉन्ग भी बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत बहुत। अभी करिया वाला सॉन्ग, उसके बाद आपके साथ जो चांद चांद वाला जो सॉन्ग भी है, उसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। चांद में बहुत अच्छी आ रही है तुकार आपका। और कोई नहीं आया क्या किसी का? हाँ सर, और संजय हाँ, जा रहे, हेलो संजय मेरा जी, भूषण कैसे पटियाला जी, हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। फरिश्ता, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? फरिश्ता के लिए आपको बहुत बधाई हो, डायरेक्टर को भी हीरोइन को भी। थैंक आपको भी बहुत यू। बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत मेहनत किया, पब्लिसिटी में बहुत मेहनत। हाँ हम लोगों ने जो बनाना था हमारी, अब आप लोगों के हाथ में। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर निशान जी निशान कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग हेड विजय विजय यादव जी हैं, सब मिलकर, सब कोई मिलकर बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है इस फिल्म को। मतलब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी अगर फिल्म ऑडियंस से ही रिक्वेस्ट है, अच्छी फिल्म हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग थिएटर में आकर आशीर्वाद देंगे तो और अच्छा लगेगा, उत्साह मिलेगी इससे और बेहतर फिल्म बनाने के लिए। हर मेकर बना रहा है फिल्म। और संजय जी, कुछ रिएक्शन आपका फरिश्ता ट्रेलर आपने देखा, कुछ रिएक्शन संजय भूषण जी? में ऐसे देखिए, एक और हीरोइन आगे बात कर रहा हूँ। पूजा, वेलकम वेलकम। वेलकम। पूजा गांगुली जी आ गई है लेकिन अटक गई, उनका सर नेटवर्क इशू होगा पूजा जी हाँ का, शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है वहां पर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद कुछ। जैसे लाल बाबू जी की सारी, एक तो मैं देख रहा हूँ कि उत्तर आपने पागल बनाया है, उस तरह से हीरोइन को पगली बनानी चाहिए थी ना। नेक्स्ट फिल्म में बना लेंगे। हाँ हीरोइन को भी पगली बनाना चाहिए था ना। हाँ हीरोइन उसमें बहुत खूबसूरत अमित सर लग रही है। को हीरो जी। अमित शाह को ले लीजिए ना, अमित शाह को ले लीजिए। पूजा अरे क्या हो गया, जी चली गई, शायद नेटवर्क इशू होगा अरे पूजा। ना। नहीं नहीं सर, आप क्या है ना, मैं मतलब मेरे अकाउंट से मैं सिर्फ 3 लोगों को मैं इनवाइट भेज सकती हूँ। आप लोग ना पूजा और अमित सर को आप इनवाइट करिए, एक आप अच्छा मैं करूं, करिए। और मैडम कुछ भोजपुरी में सुनाइए आप। हम भोजपुरी ऑडियंस को थैंक यू बोला था नहीं, क्योंकि रवा लोग हमारे ट्रेलर को बहुत प्यार दे रहे। ऐसे ही आगे जब मूवी रिलीज होगा तो बहुत ही बड़ा हिट बनाए भोजपुरी ऑडियंस। चलिए हम बोल रहे हैं वो बोलिए, भोजपुरी जी बोलिए। भोजपुरी लोगों के गोड़ लगाता नहीं है, दिल से आशीर्वाद लोगों आशीर्वाद, से गोर लगे से आशीर्वाद बा, दिल से छोटन का आशीर्वाद और बड़न का आशीर्वाद चाहिए। दिल से छोटों के आशीर्वाद चाहिए और बड़ा के आशीर्वाद चाहिए। लालो पंडित को आशीर्वाद देना है कि आशीर्वाद लेना है? मुझे चाहिए उनसे आशीर्वाद। मैंने सुना कुछ, मैंने शूटिंग पे सुना था मेघा जी कि हाँ आपकी और खेसारी जी के बहुत झगड़े होते थे, नहीं नहीं क्या होता था नहीं झगड़े नहीं, हम क्यों झगड़े तो सही हैं। खेसारी जी सही बहुत सही जानकारी नहीं है तो क्या होता था जरा मुझे बताइए, मुझे कोई बता रहा था बहुत दोनों झगड़ते रहती थी मतलब। खेसारी नहीं मतलब वी वर लाइक मोर लाइक ए गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड या वी रिंकू वर भाटी, मोर लाइक ए गुड फ्रेंड्स। भारती भी जुड़ गई है हमारे साथ, तो रिंकू को भी ले सकते हैं, रिंकू भारती जुड़ी हुई है हमारी सर एक्ट्रेस। पूजा को भी इनवाइट भेज देना, वो कब से इनवाइट मुझे भेज इनवाइट भेजना आता नहीं है, नहीं तो मैं भेज देता, संजय जी को आता होगा, संजय जी भेज भेज सकते हैं। हाँ
गोले देना पटेल है? हमारे नाम कुछ? यहाँ रिंकू है, यहाँ पे हमारे साथी है रिंकू, तो पूजा गांगुली भी है, ज्वाइन मी, पूजा गांगुली बोल रही है। अच्छा हाँ चलिए, आ गई आ गई। अच्छा देखिए, इतना नेटवर्क इशू, इतना नेटवर्क इशू, क्या बोलूं। लेट हो अरे गया। हीरोइन का नेटवर्क चला जाएगा तो फिल्म बनाए अरे जहां पे थे वहां पे नेटवर्क था ही नहीं, विदाउट कैसे? नेटवर्क बन हीरोइन गया हीरोइन का फिर। तो कहीं भी खड़ा हो जाए नेटवर्क रहता हमेशा। कैसे हो आप संजय बहुत जी? बढ़िया हूँ। और मेघा कैसे हो? फर्स्ट हाय, आई टाइम बात कर एम रहे हैं हम अच्छी लोग, हूँ। फर्स्ट मेघा टाइम बात कर सामने सामने। मेघा फिल्म में फरिश्ता की शूटिंग में मुझे याद है, मैं भी था एक दिन। एक हमारे अनुराग डांस मास्टर कानू मुखर्जी की गाना फिल्मा रहे थे आपके ऊपर, तो उस वक्त मेरी हाँ, आपसे पहली मुलाकात थी। कैसा लगा उनके साथ, कानू जी के साथ? और भी अपने गाने पहले किए थे या फर्स्ट टाइम किया था उसे? अच्छा नहीं, ऑलमोस्ट अभी मतलब मैंने जो भी फिल्म से हो उसमें सिर्फ एक मूवी को छोड़कर बाकी सारे मूवीज में कानू सर ही है कोरियोग्राफर। इज वेरी स्वीट कोरियोग्राफर। जो भी है हीरोइंस या हीरो सबको भी नो उनके बच्चे की तरह कानू दादा ट्रीट करते हैं, सो इज वेरी उनके साथ हम बहुत ही आराम से हम काम कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव जी के साथ कंटिन्यू आपने कई फिल्में लगातार की, क्या क्या जी अच्छी बॉन्डिंग थी या फिर आपकी किस्मत को अच्छी थी फिल्में मिलती गई आपकी? अच्छा, सुबीर शर्मा जी मुझे बोल रहे पता हैं, सुबीर शर्मा जी भी हैं लाइन में। मुझे पता नहीं, आई थिंक सबको भी मेरा काम अच्छा लगा, ये कहना अमित चाहिए तो सुपर मेरे डायरेक्टर से भी हेलो बोल मिली, रहे हैं, तो बैक टू बैक मुझे उनके साथ काम मिला। वेरी गुड। मोहन पूजा कैसी हो? ठीक हो, आप कैसे कितनी हो? फिल्में आपकी होगी खिलाड़ी के साथ में? मेरे ख्याल से ये चार हो रहा है, चौथी फिल्म है। चौथी फिल्म तो हो रहा इस फिल्म में जो आपके मैंने देखे गाने बहुत खूबसूरत लग रही, गाने में क्या कुछ कहना जी। चाहेंगी अपने को स्टार के बारे में? क्या क्या और एक बार अपने को बताइए। स्टार के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, कैसा रहा इस लास्ट शूटिंग पे को आपका? स्टार के बारे में तो कुछ बता नहीं, मतलब मैं क्या थोड़ा बोलूं, बताऊं खेसारी मैं, जी का मतलब टाइम पूछ इतना रहे हैं तो खेसारी जी कब लाइव पॉपुलेटेड, आएंगे? तो खेसारी जी आज ही इतना लाइव आएंगे, खेसारी जी आज ही, मेरी बात हुई है, खेसारी जी आज लाइव आने वाले हैं। सर नहीं, सर आ गए अभी 10:30 को, सर आए थे लाइव उनकी अकाउंट से, 10:30 को सर आए लाइव आए थे। आए थे। हाँ आए थे, देखा मैंने भी देखा। हाँ, हाँ, अभी जस्ट हमने लाइव भी आए थे। देखा। मोहन हम आने से पहले पंडित लाल बाबू सर, थैंक यू। वो सबसे पहले अपना काम खत्म कर रहे थे, कल पहले ही खेसारी खत्म कर लेते जी से बात हुई थी, थे। खेसारी जी ने बताया था मैं लाइव आ रहा हूँ कल, तो शायद आ गए होंगे। मैं टाइमिंग मुझे पता नहीं था, मैं भी ये करता। हाँ, मुझे भी कल टाइम नहीं कल पता था। फरिश्ता का ट्रेलर देखने के बाद मेरे पास जो जो मतलब जिन्होंने भी मुझे बताया, एक तो बोल रहा है बहुत इमोशनल है पिक्चर, मतलब ट्रेलर हाँ देख के रोना आ रहा है एक, और ऊपर से तो मतलब सर का एक्टिंग के बारे में तो कुछ बताने का है ही नहीं, छोड़िए वो तो अलग बात है, पर बोल रहे हैं कि अभी ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है तो पिक्चर क्या होने वाला है, मतलब ऐसा सब लोग मैसेज किया है मुझे, मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऐसा। और अपना लाल सर तो है ही डायरेक्टर, डांट डांट के करवा लेते हैं सेट पे। नाम सेट पे किसी को डांटते नहीं, गलत गलत तो रिव्यू मत दो, मैं किसी को नहीं डांटता हूँ। पूजा मैं डांटता था, मैं डांटता था, नहीं डांटता। मैंने जो देखा लाल बाबू सर डांटना किसी मतलब, को नहीं डांटा। डांटना मतलब वो वैसा डांटना नहीं, मानो कि मेकअप में 5 मिनट लेट हो गया बस, अब लगता नहीं है उतना तो टाइम लगता, ऐसा डांटना ऐसा डांटना ऐसा नहीं है। लाल सर बहुत अच्छे, क्योंकि मेरा पहला ब्रेक लाल सर ने ही दिया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, वाह, ये वेरी तो गुड। मैं हाँ मेरा पहला पिक्चर, मतलब पता है मेगा एक्चुअली मैं बंगाली इंडस्ट्री से हूँ, और जब मेरे पास पहला ये ऑफर आया था मैं आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे करना चाहिए या नहीं ये वो, तो लाल सर ने मुझे बैठ के, मतलब मैं बहुत डर रही थी कि डायरेक्टर आने वाला है प्रोड्यूसर आने वाला है, जब इन्होंने से बात किया ना तब मेरा पूरा डर चला गया ना, नहीं, हम काम कर सकते हो, मतलब इतना हंसते हुए आदमी कैसे आके बात कर सकते हैं ऐसा लगा, तो चलो ठीक हो गया धीरे लाल धीरे। भाई, आपने काफी फिल्में खेसारी जी के साथ किया,
फरिश्ता कुछ अलग गेटअप का लग रहा है, मतलब कि आपने कई कई सेट दिए खेसारी लाल यादव जी को, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ शूटिंग के दरमियान, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, नहीं शूटिंग के टाइम खेसारी जी के साथ काम का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत वो तो सेट पे ऐसे ही एनर्जेटिक रहते हैं, और ये थोड़ा सा हटके था लुक चेंज मेकअप वगैरह में। और सबसे बड़ी बात थी जो जहां पे हम लोग शूट कर रहे थे 40 के ऊपर 45 डिग्री उसमें गर्मी था, उसमें वो वीक कैरी करना। और सबसे बड़ी बात है खेसारी जी जब कैरेक्टर कर रहे थे पागल वाला तो कई दिनों तक उन्होंने नहाया नहीं था, उनका गर्दन बिस्तर नहीं था, वो अक्सर जो लिए थे, और सेट पे वहीं से पागल को बुला के सेट पे बिठाया जाता था, उसी का कपड़ा भी यूज होता था, और वो कपड़ा भी नहा, कई दिन तो मैंने देखा नहीं क्यों नहाते उस सेट पे पानी की कमी थी कि आप नहाने नहीं दे रहे थे उनको? वो उस तरह रहते थे, क्योंकि फिर वो करके सुबह शूट वगैरह तो मुझे वो गर्म मालूम, मुझे मालूम चला है कि पूजा पूजा और मेघाश्री सारा पानी खत्म करके नहाने में, ये लोग दिन में 3-4 बार नहाते लड़कियों को ज्यादा लगता है। लोग नहाते थे। लड़कियां बाथरूम में घुसती है तो 1 घंटे तक नहाती है ना। नहीं, हाँ, पानी वानी कहाँ गया? ये मैं नहीं बोलती हूँ, सकते पानी वही कहाँ गया? कहते शूट के टाइम में हम लोग जब शूट कर रहे थे, गाने का शूट, इतना गर्मी था 45 डिग्री में, पानी डाल डाल के हम लोग शूट कर रहे, हैं। मतलब पैर रखने का जगह नहीं, इतना गर्म लग रहा था, इतना गर्म, तो पानी डाल के भिगा के फिर हम लोग शूट कर रहे थे, मालूम है? मतलब गजब गजब था वो दिन, बाप रे बाप। मतलब मेरे मेरे लाइफ में तो पहली बार मैं इतना डिग्री में शूट किया, मतलब इतना धूप और इतना गर्मी लग रहा था, सब लोग बार बार हम लोग पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और ऐसे डांस कर रहे थे, पूरा मतलब पानी को पीना मेगा पूरा मेगा गेटअप। हमारे फिल्म के जो निर्माता हैं उनके बारे में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम काम किया उनके साथ? जी, जब मुझे पता चला कि हमारे प्रोड्यूसर भी साउथ से है, फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, मैं थोड़ा सा डरी है, मतलब थोड़ा सा किसी को से टैंग, और अभी ना धीरे धीरे मतलब सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मतलब सब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सो आई वॉज हैप्पी। एंड मोर देन दैट, मुझे भी तेलुगु आता है, उनको भी तेलुगु आता है, जिसको सेट में हम ना कभी कभी तेलुगु भी हम बात करते थे, और रेड्डी सर भी एज एन प्रोड्यूसर मूवी को मतलब क्या क्या चाहिए, ही हैज गिवन एवरीथिंग। ट्रेलर में मैंने देखा, मतलब कहीं भी मुझे किसी का भी चीज का मुझे कमी ऐसा मुझे नहीं दिखा। मुझे आई थिंक एज एन प्रोड्यूसर ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब। पूजा, फिल्म में गाने बहुत अहम रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्मों के लिए। आजकल तो एल्बम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आपको कैसा लगा, आपकी फिल्म के गाने, फरिश्ता के बात करें तो कितने गाने हैं आपके ऊपर फिल्माए गए हैं? मेरे ऊपर 2 गाना है, एक तो एक शायद लाल सर ड्रीम सीक्वेंस में है, आई थिंक दोनों ड्रीम्स, एक ड्रीम सीक्वेंस, दोनों ड्रीम्स। दोनों ही ड्रीम सीक्वेंस ना, दोनों ही ड्रीम सीक्वेंस में है। और मतलब देखा जाए तो वो वाला लुक, मतलब जो मेनली फरिश्ता का जो लुक है, और वो गाना पूरा वही लुक में है, मतलब ये पूरा अलग हो गया। मतलब हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि गाने में हीरो का लुक बदल जाते हैं, हीरो और स्मार्ट लगना चालू हो जाते हैं, पर यहाँ पे खेसारी जी और लाल सर दोनों मिलके यही चीज किया कि यही लुक रखने वाला है, क्योंकि उसी टाइम का जो भी सिचुएशन है, और वो वही लुक में गाना इतना जबरदस्त बन गया बनने के बाद, अभी हम लोग ट्रेलर में भी देखे शायद थोड़ा सा, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा ऐसा है। आप नहीं जाना, अमित शुक्ला जी भी, उसको भी इनवाइट कर दीजिए अमित शुक्ला अक्सर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जी अकाउंट से, मैं 3 लोगों को मैंने जुड़ी हूँ, तो को। वही लिमिट अच्छा है। हाँ अच्छा जी इनवाइट कीजिए ना अमित शुक्ला को। जी सर, आप अमित सर को कर सकते हैं। एक मिनट ट्राई करता हूँ। अमित जी है लाइन पे, मेरा अमरजीत, हेलो अमरजीत, महाकाल पंडित सब भाई को जो जो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत धन्यवाद आप लोगों ने ही टेलर को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हमारे भोजपुरी जो एक अच्छी फिल्म बनी है तो आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत हमारे भोजपुरी ऑडियंस को धन्यवाद, और हमारे तरफ से पूरे टीम, इंटायर टीम को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। जो एक फिल्म अकेले की नहीं होती है, सारी टीम
टीम वर्क होती तो ये कठिन है, तो हम लोगों ने सभी ने प्रयास किया है। अब हमारी जितने भी मतलब प्रयास है वो ऑडियंस के हाथ में, ऑडियंस का आशीर्वाद चाहिए। थिएटर में जाकर हम लोग चाहते हैं कि आप प्लीज थिएटर में जाए और फिल्म को देखें। यही अपने भोजपुरी ऑडियंस से हमारी गुहार है, रिक्वेस्ट है। अच्छा मजा मेरे प्रोफाइल से नहीं जा रहा है, बहुत बहुत मेरे प्रोफाइल से नहीं जा रहा है अमित जी को। अच्छा मुझे आता नहीं है कैसे इनवाइट किया जाता है। राइट में ऑप्शन होता राइट में ऐड अमित करने जी, के लिए। अगर आप अमित जी अगर आप लाइन में है तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए ना, चाहे जो भी हाँ, हमारे और हाँ रिक्वेस्ट भेजने से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सर ऑडियंस पूछ रहे हैं कि मूवी कब रिलीज होगा, कब हम मूवी अभी देख सकते हैं ना मूवी, और टेंटेटिव होली में आने आएगी मूवी, और डेट कब 2-3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही हम लोग वो फिल्म का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। एक दो दिन के अंदर ही हम भव्य तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है निशांत जी, निशांत उज्जवल जी, तो वो अपना करेंगे, हमारे PRO बैठकर उसको करेंगे कैसे क्या करना है। आज ही हमारी रेडी सर से बात हुई है, घर से ज्यादा नहाते होते क्या लेगा पिंकू चौधरी अमित यादव। अगर और ये भी रिंकू भारती भी लाइन में, अगर आप भी हो तो प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए, यहाँ से जा नहीं रहा है। मैं बर्थडे हैप्पी बर्थडे अमित शुक्ला भेजा, अमित जी बोल रहे भेजा, मैंने अमित जी भेजा लेकिन आया नहीं। अगर पूजा के आप एक्सेप्ट कर लीजिए, पूजा को आप एक्सेप्ट करिए, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि इन लोगों को मैंने कर लिया। अमित जी का बोल रहे भेजा है लेकिन दिख नहीं रहा है जो उनका जो आया है। आई थिंक मुझे लगता है एक आदमी घटना पड़ेगा तब आएगा वो। अच्छा तो मैं हटता हूँ, मैं आप तो आप आपको क्वेश्चन करेंगे आप कौन हटेगा, हम हट जाए मेरे आप नहीं मैं हटता हूँ। ठीक है सर, मैं पूछूंगी क्वेश्चन। अच्छा अभी को कैसे अभी डायरेक्टर है, अभी डायरेक्टर है, अभी तो और भी बहुत कुछ सोचने वाले। मैं संजय जी को अपने साथ ही रख लेता हूँ। हाँ अमित जी प्लीज एक बार जी, अमित शुक्ला मैंने इनवाइट भेजा आपने, वाह गया अमित जी। अरे हेलो शुक्ला जी, हेलो बहुत बहुत हेलो परिवार, हेलो बहुत बहुत बधाई हम सबको, और आपने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई और फरिश्ता टीम ने बनाई है, अकेले हमने नहीं बनाया टीम ने। हाँ लेकिन कल मुझे कई फोन आए और उस फोन में राइटर की बहुत तारीफ हो रही थी कि क्या स्क्रिप्ट लिखी होगी उन्होंने, ये वो ट्रेलर की बहुत तारीफ हो रही थी, कई लोगों ने तो ट्रेलर काटने वाले की भी तारीफ की कि क्या ट्रेलर काटा है उन्होंने। हमारे उमेश मिश्रा ट्रेलर हमारे तो वही काटते हैं टेलर, और एडिटर हमारे जीतू जी हैं, जितेंद्र सिंह जीतू जी हैं एडिटर। और हम सब गवाह हैं कि आपने इस फिल्म के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है, खेसारी भाई ने कितना मेहनत किया है, एक एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करना, उस पर रिसर्च करके एक पागल को मतलब जो दिमागी विक्षिप्त थे उनको सेट पे 10-15 दिन बिठा के रखा आप लोगों ने, उनकी एक एक एक्टिविटीज को वॉच करना। नहीं वो तो है ही है, सब भाई लोगों का मतलब बहुत लोग हमारे हम लोग ऐसा जुड़े हुए हैं, अभी विशाल है, नीरज सुपर, थैंक यू नीरज, अमन यादव, बहुत लोग हैं, सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत। और आप कहाँ हैं, शूट पे हैं क्या कहीं? हाँ शूट पे हूँ मैं। अच्छा 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 चलिए आप लोग मेरे तरफ से सभी कलाकार सभी टेक्नीशियन को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सुनाइए अमित जी, आप बहुत बस रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म से पर्सनली हम सबको बहुत उम्मीद है और दर्शकों को की उम्मीद बढ़ गई है, एक्साइटमेंट बढ़ गया है, जो रिएक्शन आ रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सिनेमा हॉल में जाके सभी दर्शक फिल्म देखें, क्योंकि हम ये भी नहीं बोलेंगे कि अलग हटके ये वो, हम ये जरूर बोलेंगे कि मतलब इतनी फिल्में हम करते हैं, इतना सिनेमा दिल के बहुत करीब है ये फिल्म,
इतना एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी है इस फिल्म में, इतने परत दर परत खुलेंगे, रिश्तों के ताने बाने जो उलझन है वो सारे खुलेंगे एक से एक, आपको फैमिली ड्रामा में भी एक से एक सस्पेंस टाइप का की परत खुलती दिखेगी आपको, और आपको ये फिल्म पूरी तरह रुला देगी, आपको अपने आप से झोड़ लेगी, ये पूरी तरह हमारी उम्मीद है। कल जितने लोगों ने देखा देख के बोल रहे कि ट्रेलर देखते ही हमारे यहाँ ट्रेलर देख के इतना आंसू भर गया, पिक्चर में क्या होने वाला है, मतलब सब लोग वेट कर रहे पूरा पिक्चर देखने के लिए कि वो तो है डायलॉग। अच्छा सर, अभी साई शायद केसरी सर यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, कई यूट्यूबर ने ये बोला, अपने अपने प्रेडिक्शन अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे कि ये कहानी हो सकती है, वो कहानी हो सकती है, इस वजह से पागल हो सकता है, उस वजह से पागल हो सकता है। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आपने जितनी उम्मीदें लगाई हैं, मतलब जितना अपना अपना अंदाजा लगाया, सर उम्मीद बोलो अंदाजा लगाया है, वो सारे अंदाजे गलत होने वाले हैं, कहानी कुछ और ही है। ये तो 100% मैं गारंटी देता हूँ। कई लोगों ने बोला भिखारी है ये है, मतलब ठीक है, लोग अपना अपना राय है उनका, ये है तो फिर सिनेमा देखने के बाद ही पता चलेगा क्या है। सीन करने के हम लोग जो सीन कर रहे थे उस टाइम में ही हम लोग इमोशनल हो गए थे, मतलब एक्चुअली ऐसे सीन सामने हो रहा था और जब करने के बाद हम लोग जो मॉनिटर में देख रहे थे वो उसी टाइम हम लोग को अजीब सा फील हो रहा था कि अरे यार गजब बन गया, मतलब हम लोग मतलब अभी सोच रहे थे तो अभी भी मेरा रोम खड़ा होता जा रहा है कि एक एक सीन जब हो रहा था उस टाइम। मुझे हम लोग जब वही याद है खेसारी, जब वो माँ के ऊपर जब भाई कहे होता है और खाना वगैरह फेंकते हैं, रमेश जी का एंट्री होता है मेरे अच्छा, खेसारी जी को डंडे भी ओरिजिनल पड़े थे और जो लास्ट ओरिजिनल पड़ा था उन्होंने अच्छा सर सुनिए, अभी अभी सर ज्वाइन केसरी सर ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हमारे में एक लोग हटना मतलब तो मैं केसरी भाई को ज्वाइन कीजिए आप लोग और मैं थोड़ा शॉप में जा रहा हूँ। हाँ ओके, और सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत जल्दी एक घंटे में सबके प्यार की वजह से और सबसे इतना पसंद के करीब व्यूज होने जा रहे हैं ट्रेलर के, अभी डेढ़ घंटे में 1 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। तो खेसारी जी को लीजिए लाइन पे। ओके अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी अच्छी फिल्म हमें आपने दी और इसका पार्ट हमें बनाया। थैंक यू, लव यू, लव यू, लव यू जी, लव यू। तो अभी मैं कोशिश करता हूं, लव यू, लव यू। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, पूजा, थैंक यू सर, बाय। अभी प्लीज कट कर दीजिए। अब वहां से कट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं कट किया ना तो पूरा लाइव एंड हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, आई ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करता हूँ आपको। हाँ ओके, अभी मैं ट्राई करती हूँ। सर को लीजिए। हाँ मैंने इनवाइट किया हूँ, शायद वर्क किचन। हाँ हाय सर, हेलो 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 हेलो, क्या जी, क्या जी, लाल बाबू जी प्रणाम। सबसे सबसे पहले आपको प्रणाम कि आपने एक का हिस्सा बनाया हम सब को, और वो भी आपने अपने काम से किया, और पूजा को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरा तो कमाल की है ही भाई, आपका जो है सभी ने किया, आपने जो बीच आपने जो किया 45-45 डिग्री में आपने दो
तो ये आवाज में ऊंचा क्यों आ रहा है? पता नहीं आवाज एकदम क्यों हो रहा है। चलिए बस मैं लाइव आया था, फ्री माना था मुझे, सेट में घंटा लेट था, तो सोचा कि भाई अब से बने काम कर रहे हो फिर सारी शुभकामना सबको, क्योंकि मैं जितने लोगों ने मुझे कॉल किया है पर्सनली लेवल पे, जो लैंग्वेज के भी लोग हैं जिन्होंने देखा है उनका फोन आया मुझे बहुत सारे लोगों का, और सबने बोल दिया कि क्या आपने काम किया है, क्या लुक डिस्टर जो है वो कमाल का है, और कहानी तो हम क्यों करने बताइए कितने बेहतर कहानी पे काम किया। और सबसे बड़ी बात है आपका एक्टिंग तो सुपर्ब है सर, फरिश्ते मूवी में आपका एक्टिंग टू मच, मतलब सही में मुझे लगता है कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर बेस्ट एक्टर है तो ऐसा मत बोलो नहीं तो विवाद में आ जाओगी, ऐसा मत बोलो मेघानी तो विवाद में आ जाओगी। सर ये सच और ये कट कट लाइव में मत सुनिए प्लीज, तो फिर मुझे नहीं, मुझे सीरियसली मुझे एक्चुअली रिसेंटली मुझे मतलब इंडिया में मैंने कांतारा फिल्म देखा, सो उसमें जो लास्ट क्लाइमेक्स में जो आते हैं ना ऋषभ शेट्टी का एक्टिंग, सो ऋषभ शेट्टी के बाद अगर मुझे कोई हीरा कोई हीरो को अगर मुझे एक्टिंग पसंद आया तो इनका एक्टिंग मुझे फरिश्ते ट्रेलर में मुझे बहुत पसंद आया। और ये मुझे सरप्राइज था, मतलब जब शूटिंग करते समय में भी मैंने एक्चुअली ऐसा मतलब सीन्स मेरे साथ नहीं था, मैंने नहीं देखा लेकिन आप लोगों ने देखे थे, सो ये मुझे सरप्राइज था। इट वाज लाइक एक सीन था जहाँ पे ऋषभ खीर पसंद है, वो मतलब सबसे बड़ी बात करना, सबको धन्यवाद धन्यवाद सबको धन्यवाद भाई, आप धन्यवाद भाई आपको चलिए मैं अपने बात कर लेता हूँ, आप बात कर लो, मैं जिम कर लेता हूँ। ओके सर, बाय बाय बाय, ओके सर, कांग्रेचुलेशंस। आप कौन है भाई, आप कौन है भाई? संजीत यादव, संजीत यादव। अरे जी रिंकू बोल लीजिए, रिंकू घोष है ना सर, ट्राई कर रिंकू भारती, रिंकू भारती, रिंकू भारती। अगर सर उनको बोलिए ना रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। अच्छा मैं अगर लाइन पे है तो मैं बोलता हूँ, अगर लाइव में है तो प्लीज। और हमारे और कौन, और लेकिन सर मेरे तरफ से सब मेरे तरफ से बहुत अच्छा लगा, खिलाड़ी दिया, खिलाड़ी दिया, और अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया। ये साउंड हाउलिंग क्यों हो रही, हाउलिंग क्यों हो रही, पता नहीं बहुत इको हो रहा है, इको हो रहा, पता नहीं क्यों हो रहा, पता नहीं क्यों सब टेलीविजन। एंड करें यहाँ पर, एंड करें यहाँ पर, हाँ सर एंड करेंगे, एंड करेंगे, चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे तरफ से हमारे असिस्टेंट, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, टीम को पूरा और हमारे प्रोड्यूसर का, सबको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बहुत जल्दी अब आप एंड कर दो आप। हाँ सर, सर मैं ही लास्ट में एंड कर गई पूरा बात।
ओके बाय बाय, मुझे आता नहीं कैसे ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग फरिश्ते ट्रेलर को बहुत सारे प्यार दिए हैं और ऐसे ही देते रहिए और बहुत जल्द 1 मिलियन क्रॉस हो जाए वो ट्रेलर और शायद नेक्स्ट मंथ फरिश्ता मूवी रिलीज होगा। सो इस साल का बहुत ही बड़े हिट सिनेमा आप उसको बना दीजिए क्योंकि हम सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत किए है, डायरेक्टर सर, पूजा केसरी सर, मैं, अमित सर, सभी लोग और बहुत मेहनत से काम किया है। बस आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप सबका प्यार हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए ट्रेलर को शेयर कीजिए जितना हो सके। थैंक यू, बाय बाय, ओके, बाय बाय।